नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक मुलाकात में हम चिकित्सा जगत से जुड़े महान हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं और विभिन्न बीमारियों के किस तरह के उपचार हैं, सावधानियां किस तरह बरतें, आप सबको बताते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर AP सावंत। जी हाँ, ये सीनियर पेडियाट्रिक कंसल्टेंट है, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज ये हमको कोविड से जुड़ी जो सावधानी है और उनके उपचार हैं और किस तरह बचा जा सकता है, हमको जानकारियां देंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी नमस्कार। कोरोना को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर काफी देश और दुनिया में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पहली लहर से तो जैसे तैसे बचा इंसान, अब दूसरी लहर और अब तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है, जिसको ओमिक्रॉन का भी नाम दिया जा रहा है, नए वेरिएंट को। तो हम जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन किस तरह से डेल्टा वेरिएंट से अलग है। देखिए मैडम, जो हम लोग जो COVID-19 की बात करते हैं, सार्स COVID-2 वायरस होता है, और जब पहली लहर हुई थी और जब दूसरी लहर हुई थी तो उसमें हमने देखा कि डेल्टा वेरियंट होता था जो ज्यादा घातक था। पहली लहर में तो फिर भी हम लोग जैसे तैसे हम लोग ने संभाल लिया, पर जब दूसरी लहर आई तो उस समय ये काफी घातक थी, हम शायद उस समय उतने तैयार भी नहीं थे। तो उस वजह से हमको एक समय ऐसा आया कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट होने लगे, ICU के बेड्स कम करने पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर पा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई, दवाइयों की कमी हो गई, तो उस समय हमें काफी कुछ नुकसान हुआ। डेल्टा वेरियंट जो होता है ये सिंसाइशियल वायरस होता है, सिंसाइशियल फॉर्मेशन होता है, इसमें डायरेक्ट सीधे लंग्स में इफेक्ट करता है ये, और लंग्स में मल्टीप्लाई करता है, जिसके कारण से फाइब्रोसिस होता है, हाइपर इन्फ्लेमेशन होता है, और ब्रीदिंग की डिफिकल्टी होती है, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और मरीज को सांस के ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। परंतु उसके बाद जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट थोड़ा सा उससे डिफरेंट था, है डेल्टा से। इसमें ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही ये इन्फेक्शन होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, मतलब गले में ही इसका असर होता है, और ये सरफेस इन्फेक्शन रहता है इससे। तो इसकी वजह से क्या होता है, साधारण सर्दी खांसी बुखार, बदन में दर्द, थ्रोट पेन, ये सारी चीजें होती हैं, माइल्जिया होता है, बदन में दर्द होता है, और पेशेंट बीमार तो रहता है परंतु उतना सिक नहीं होता, और उसको लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए इस वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती और शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इस वजह से ऐसे मरीजों को बीमार होते हैं परंतु उनको होम केयर में ही रख के ठीक किया जा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। होम क्वारंटाइन की आपने बात की, तो आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह के पेशेंटों को किन होम क्वारंटाइन में रखा जा सकता है? होम क्वारंटाइन मतलब हम उनको अपने पेशेंट्स को घर में रख के हम उसको किस प्रकार से इलाज कर रहे हैं। तो इस समय जरूरी है कि यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, या उनको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ऊपर है, एक्चुअली आजकल पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिससे हम उसको ऑक्सीजन सेचुरेशन नापते रह सकते हैं, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन नाप रहे हैं और उसका 94% से ऊपर आ रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं हो रही है, और पेशेंट ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, तो हम उसको ऐसे लोगों को हम घरों में रखकर इलाज कर सकते हैं। लेकिन घरों में रखने में होम आइसोलेशन में सबसे जरूरी है कि आइसोलेशन के जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, जैसे हम उनको अलग कमरा दें, अलग उनके वॉशरूम हो, बाथरूम हो, इस प्रकार की सारी चीजें अलग रहें, ताकि जिससे कि वो इन्फेक्टिविटी तो रहेगी उसमें। जैसे ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन में इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये 5 times डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा इन्फेक्टिव है, तो इन्फेक्टिविटी तो रहेगी, और उसको हम जो कोरोना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सारे बिहेवियर को फॉलो करने बोले, ऐसे पेशेंट को हम होम आइसोलेशन में रख सकते हैं। पूछना चाहूंगी, जैसे कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 14 दिन का क्वारंटाइन माना जाता था, क्या ओमिक्रॉन में भी 14 दिन का क्वारंटाइन? नहीं मैडम, ये इसमें क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, तो इसमें जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है, तो इसलिए अभी शासन के निर्देशानुसार जो अभी नए गाइडलाइंस आए उसमें हम 7 दिन
का होम आइसोलेशन बोल रहे हैं, और यदि ऐसा है जब उसका जो सिम्टम्स हैं वो 3 दिन ठीक हो गए हैं और 3 दिन निकल गया है, तो ऐसे पेशेंट को हम होम आइसोलेशन से बाहर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको उन सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, मास्क लगाना पड़ेगा हमेशा ताकि वो दूसरों को ऑन इन्फेक्ट ना कर सके। जैसे पहली और दूसरी जो वेव आई थी उसमें ज्यादातर बड़ों को ही प्रभावित होते देखा गया, बड़ों ने ही अपनी कई जाने गंवाई है। क्या मैं जानना चाहूंगी बच्चे भी इससे गंभीर हो सकते हैं बीमारी से? हो सकते हैं गंभीर। जो पुरानी दो मतलब वेव्स थी, जिस लहर जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें हमने हमारा ये एक्सपीरियंस था कि ज्यादातर बड़े ही इसमें बीमार पड़े थे और बच्चे कम पड़े थे, पर फिर भी उस समय हमने लिखा था लगभग 3% बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता था। एक्चुअली जो कोविड के वायरस होता है या कोरोना वायरस होता है वो एक हमारे रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ए सी टू रिसेप्टर्स होते हैं, वो ए सी टू रिसेप्टर्स से कोरोना वायरस जल्दी अफेक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो बॉडी में एंटर कर जाता है। पर वो बच्चे जो होते हैं उनमें ए सी टू रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से या इमेच्योर होते हैं तो वायरस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और इसलिए बच्चे कम अफेक्टेड होते हैं। परंतु इस बार इतने ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। आजकल के ही न्यूज़ में हम लोग देख रहे थे कि आरओ वैल्यू जो है, जो इन्फेक्टिविटी रेट की वैल्यू है, वो 4 है, मतलब एक व्यक्ति 4 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत है, तो निश्चित रूप से इसमें बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, पर उतने बीमार नहीं हो रहे हैं, उनकी गंभीरता उतनी नहीं हो रही है जितना एडल्ट्स में होती है। कोरोना को लेकर परिवार में किस तरह की परिस्थितियां हो सकती है और उस दौरान हमें किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना? जहां तक ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब बच्चा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए माँ बाप का रहना ज्यादा जरूरत है उनकी केयर करने के लिए। यदि माँ और बच्चा दोनों कोविड पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली, अगर और वो लोग इतने ज्यादा बीमार नहीं है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े या उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़े, तो उस दौरान माँ और बच्चे दोनों साथ साथ रह सकते हैं। माँ बच्चे को अपने साथ रह रह के उसकी केयर कर सकती है, लेकिन दोनों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क या सैनिटाइजेशन या बाकी चीजों की सावधानी बरतना चाहिए। एक कंडीशन है, पूछना चाहूंगी, जैसे बच्चों की देखरेख माँ करेगी, कोविड है ये भी, और बच्चा अगर मान लो नॉन कोविड है तो माँ उसको अपना दूध पिला सकती है? हाँ जी, पिला सकती है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि कोविड जो सार्स कोविड 2 वायरस है, वो माँ के दूध के जरिए नहीं आता है और उसकी वजह से बच्चे को वो मिल्क के थ्रू या दूध के थ्रू इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो माँ बच्चे को अपना दूध पिला सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि माँ का दूध तो अमृत तुल्य है, उससे इतने सारे फायदे हैं, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, जिसको बौद्धिक विकास बोलते हैं, वो माँ का दूध ही होता है। और माँ के दूध में इतनी सारी एंटीबॉडीज होती है, इतने सारे ऐसी फायदे वाली चीजें होती है जो बच्चे के विकास के लिए और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माँ के दूध में लैक्टोफेरिन होता है या एंटीबॉडीज होती हैं, जो बल्कि सार्स कोविड वायरस को रोकता है बच्चे के शरीर तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए यदि माँ का दूध पिलाया जाएगा तो डेफिनेटली बच्चे को फायदा होगा। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, यदि माँ कोविड पॉजिटिव है तो माँ मास्क लगाए, फ्रीक्वेंटली अपना हाथ धोए, सैनिटाइजेशन करे और एक डिस्टेंसिंग बना के रखे, तो बच्चे को निश्चित रूप से वो अपने साथ रख सकती है और उसकी देखभाल कर सकती है। कोरोना से बचाव के लिए सबसे ज्यादा अगर मायने रखता है तो सोशल डिस्टेंस, और सोशल डिस्टेंस बरकरार रखने के लिए शासन द्वारा कई सारे गाइडलाइन जारी की गई, उसमें एक गाइडलाइन बच्चों की स्कूल को बंद करने का है जो कि उनकी भलाई के लिए है। तो ऑनलाइन शिक्षा इस दौरान शुरू की गई है, तो बच्चों का ऑनलाइन शिक्षा से क्या असर पड़ रहा है, किस तरह प्रभाव डाल रही है उनके जीवन पे? देखिए, ऑनलाइन शिक्षा से प्रभाव बहुत पड़ रहा है। एक तो ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चे लोग, हम लोगों का क्योंकि लॉकडाउन हो गया, बच्चे बाहर जाना बंद कर दिया उन्होंने, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, और फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई तो बच्चे लोग सभी जो जितने बच्चे थे उनकी उनका वेट गेन होने लगा, ओबेसिटी होने लगी, और ये ओबेसिटी जो है जो है आगे चल के एडल्टहुड की बहुत सारी डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट,
कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो कार्डियक इवेंट, ये सारी चीजें उनको एडल्टहुड में जाके ज्यादा होंगी अगर बच्चा ओबीज होगा तो। दूसरी चीज, अगर बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो उसकी आंखों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, फटीक जल्दी हो जाएगा, तो ये सारी चीजें होंगी तो जिससे उसको उसके उसमें जो उसका जो वो है उसमें फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में एक मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, कोई बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना वो उसका ग्रास्प कर रहा है, कितना कर रहा है, वो मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो उससे क्लास में बच्चे जाते हैं तो उनकी टीचर जो होते हैं उसकी देखरेख कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं बच्चा कितना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उन बच्चों को ज्यादा ध्यान दे पाते हैं जिनको कम समझ में आ रहा है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में ये सारी चीजें नहीं हो पाती। बच्चों का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोरोना का किस तरह असर पड़ रहा है? प्रत्यक्ष तो जान हम लोग देख ही रहे हैं कि बच्चों को वो लोग जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास कंसंट्रेशन नहीं है, इरिटेबिलिटी बढ़ गई है, एंग्जाइटी ज्यादा हो गई है, बच्चों को अपना समझ में नहीं आ रहा है अपने कैरियर में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई उनको उनका वो नहीं है। अभी आपने देखा 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम ऑनलाइन हो गए, अब की बात सुन रहे हैं कि 12th के भी ऑनलाइन होंगे, तो कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई बच्चों बच्चे जितनी मेहनत करें उतना उनको फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये प्रत्यक्ष नुकसान तो है ही उनके कैरियर के लिए। अप्रत्यक्ष नुकसान भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास जो मैं चूंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन, हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उनका रूटीन चेकअप करते हैं, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। रूटीन चेकअप करके अगर कोई बच्चा बीमार है तो माँ बाप को बता पाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वैक्सीनेशन छूट रहा है बच्चों का, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जो इतनी सारी वैक्सीन जैसे मीजल्स हुआ, पोलियो हुआ, ये सारी बीमारियों में हमने काफी कुछ सफलता पाई हुई है, तो वो सारे वैक्सीन छूट रहे हैं, वो वैक्सीन नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी थेरेपीज जो बच्चों को चल रही है वो थेरेपीज कंटिन्यू नहीं हो पाती, जैसे कोई ल्यूकेमिया का पेशेंट है या और कोई पेशेंट है या कोई हार्ट का पेशेंट है या कोई क्रॉनिक डिजीजेज है, वो सारी चीजों के ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, तो उससे इफेक्ट तो पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य। एक तो एक बहुत बड़ा एक जो निगेटिविटी बनी हुई है, उसके साथ साथ उसका अगर प्रॉपर चेकअप नहीं हो पा रहा है और चीजें नहीं हो पा रही है तो वो उससे बच्चा अफेक्टेड होता है। कोरोना का खौफ तो लगातार लोगों में देखा ही जा रहा है और भय का माहौल पूरे देश और दुनिया में भी है, तो ये कोविड से बचाव के तरीके क्या है जो भय दूर हो और वो अपने आप को बचा सके? आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी। एक SMS हम लोग बोलते हैं, SMS मतलब एक सैनिटाइजेशन होता है जिससे कोरोना के वायरस अगर आसपास है तो हम अपने हाथों को बार बार धोएंगे, 20 सेकंड तक हाथ को साबुन से धोने से कोरोना वायरस वॉश आउट हो जाता है। फिर दूसरी चीज मास्क बोलते हैं, डेफिनेटली मास्क एक ऐसा बैरियर है बिटवीन मरीजों के और हमारे बीच में जो हमको बीमारी होने से बचाता है। तीसरी चीज इम्पोर्टेंट होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक 6 गज की दूरी जो बोली गई है वो इसीलिए क्योंकि ये जो कोरोना के वायरस होते हैं ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ऐसा देखा गया है कि इसके जो वायरस है वो 6 फीट से ज्यादा नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए अगर एक डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट का रखेंगे तो बीमारी होने के चांसेस या इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ओवर क्राउडिंग, ऐसे एरिया जहां पर ओवर क्राउडिंग हो रही है जैसे खासकर मॉल्स हैं, ये स्कूल जो बंद किया गया उसका वजह भी तो वही है कि ओवर क्राउडिंग ना हो, क्योंकि सब बच्चे एक साथ बस में जाएंगे एक साथ बैठेंगे तो ओवर क्राउडिंग होगी तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा, तो ओवर क्राउडिंग वाले अननेसेसरी वैसी जगहों पर ना जाएं जहां जरूरी नहीं, यदि हम बिना जाए हमारा काम चल जा रहा है तो हम ओवर क्राउडिंग वाली प्लेसेस पर ना जाएं, अपने को बचाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि जितने जो पहले जितने सीरियस पेशेंट से जो सीरियस केसेस आ रहे थे, अब वो इस बार हमने देखा कि वो माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, तो उसका एक ना एक जरूर कहीं ना कहीं ऐसा वैक्सीनेशन का फायदा हुआ है जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, और इम्यूनिटी बढ़ने से वैक्सीनेशन होने से एक तो ज्यादा सीरियस बीमार नहीं होते और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम पड़ती है, तो वैक्सीनेशन का एक फायदा है। और बचाव के साथ ही साथ अब क्योंकि ये हमको एक ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चों को देना जरूरी है जिससे वो स्ट्रेस फ्री रहें
और अपना काम खुद कर पाए, और हम उनको एक ऐसी क्या सहूलियतें दे पाते हैं, उनकी हॉबीज को कैसे डेवलप कर पाते हैं, सारी चीजें देना जरूरी है, जिससे वो घर में रह के ऐसा ना हो कि बच्चा बहुत बोर फील कर रहा है, डिप्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है। तो माँ और बाप, हम लोग पेरेंट्स लोग उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्टिंग एनवायरमेंट बहुत जरूरी है उसके बचाव के लिए। देखा गया है कि कोरोना की बीमारी में गर्म पानी को ज्यादा बल दिया गया है। गर्म पानी में ऐसा क्या है जो ज्यादातर गर्म पानी पिए, गर्म पानी पिए? क्या होता है कि थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो एक इरिटेशन होता है, तो थ्रोट अगर गर्म पानी पीते हैं या गार्गल करते हैं या करते हैं तो उससे एक सूदिंग इफेक्ट आता है शरीर में, गले में सूदिंग इफेक्ट होता है, जिसके वजह से कॉफ बार बार, खांसी बार बार नहीं होती है, और जो इचिंग या इरिटेशन होता है वो बार बार नहीं होता है, इससे वो फायदा होता है गर्म पानी पीने से। अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जी हाँ, और बच्चों को ऐसा क्या खान पान हमें उन्हें देना चाहिए कि कोरोना जो है जैसे इम्यूनिटी मायने रखती है, कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा मेन यान अगर वो है तो इम्यूनिटी है, तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनको किस तरह खान पान देना चाहिए? मैंने पहले बताया कि जैसे कि अगर 6 महीने तक का बच्चा है तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, माँ से अलग नहीं रखना है, उसको फीडिंग दीजिए। 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है, और 2 साल तक हम सप्लीमेंट्री फीडिंग जिसको बोलते हैं वो सप्लीमेंट्री फीडिंग देना है। घर का बना हुआ दलिया दे सकते हैं, कुछ सूजी का बना के दे सकते हैं, दाल चावल दे सकते हैं, सारी चीजें 2 महीने तक, 2 साल तक दीजिए, और 2 साल के बाद उसकी जितनी प्रोटीन और कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उन प्रोटीन और कैलोरी की रिक्वायरमेंट को हम पूरा करें। और साथ ही साथ बच्चा अगर फल लाइक करता है तो फल दे सकते हैं, या सब्जियां उनको हरी सब्जियां दे सकते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, बच्चे लोग बड़े चूजी होते हैं, तो हमको ये देखना है कि उसको उनको क्या चीज पसंद है। अगर बच्चा कोई चीज को मना कर रहा है तो उसको रहने दीजिए, परंतु अगर कोई चीज मांग रहा है तो जरूर दीजिए। तो इस पर एक मिक्स डाइट दें जिसमें प्रोटीन सफिशियंट मात्रा में हो, कैलोरीज हो, साथ ही साथ विटामिन और मिनरल्स हो, फैट जितना जरूरी है उतना हो। अगर एक हम कंबाइंड इस प्रकार का खाना देंगे जो न्यूट्रिशियसली गुड होगा और प्रोटीन और कैलोरी ज्यादा मिलेगा तो वो बच्चे के लिए फायदा है, और अगर अच्छी डाइट मिलेगी तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी और बच्चा इन्फेक्शन होने के कम चांसेस। आप जिले की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्पर्श में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कोविड कॉल के दौरान में हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट आए, अस्पताल की क्या भूमिका रही? देखिए, अस्पताल हम लोगों के पास सब तरह के पेशेंट आए, बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट भी आए और थोड़े कम सीरियस पेशेंट भी आए। जो कम सीरियस पेशेंट थे उनको हमने वार्ड्स में एडमिट किया, पर जो जैसे ज्यादा होते गए तो हमने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में हमारे पास वेंटिलेटर की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सारी चीजें थी, हमारे पास स्किल्ड स्टाफ था, हमारे पास इंटेंसिविस्ट थे, हमारे पास ट्रेंड नर्सेस थी। तो इस प्रकार से हमने काफी लोगों को एडमिट किया और काफी लोगों की जान बचाने में हम सफल हुए या उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी केयर दे पाए। हमारे पास हमने 100 बेड का अरेंजमेंट किया था अपने स्पर्श हॉस्पिटल में, और हमारे पास एक समय ऐसा है कि हमारे पास 100 से ज्यादा पेशेंट भी हो रहे थे, स्टाफ ओवरलोडेड था काम से, परंतु स्टाफ की भी भूमिका बहुत अहम रही, उन्होंने अपना जी जान से मेहनत की, डॉक्टर्स ने जी जान से मेहनत की, और जितना हो सका उस समय हमने किया, और इस बार भी हमारा अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है और जितना हो सकेगा उतनी हम मेहनत करेंगे। इस बार हमने सबसे अच्छी चीज ये की, हमारे पास 100 बेड हैं तो सारे बेड्स में हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली, और पिछले बार क्योंकि ऑक्सीजन की ऐसी कमी देखी गई तो इस बार हमने एक 250 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से जो एक ऑक्सीजन प्लांट है, हमने वो ऑक्सीजन प्लांट भी बना लिया है, क्योंकि वो उस समय उसकी कमी देखी गई थी और शासन का ऐसा निर्देश था कि अभी सारे अस्पताल अगर ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं तो लगा लें। तो भिलाई में शायद स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सबसे पहला अस्पताल है जिसने ऑक्सीजन नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया, और इससे मरीजों को निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी और फायदा होगा। सर, जिले प्रदेशवासियों को कोरोना से बचने के उपाय या एक ऐसा संदेश आप जारी करें कि वो उसको फॉलो करें? मैडम, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत आज के समय के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत बड़े बड़े देश हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, बहुत सारे बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, सारी चीजें, पर वो भी कोरोना को फैलने से नहीं बचा पा रहे हैं, नहीं बच पा रहे हैं, और सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो हम लोग भी इन्फेक्टेड होंगे।
तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं वो जरूरी है, एक सैनिटाइजेशन उसके लिए बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रहे हैं वो जरूरी है, क्राउडिंग नहीं करना है, और वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को लगाना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि जो लोगों ने अभी तक हमने देखा है कि जितने लोगों को वैक्सीनेशन लगा उन लोगों को बीमारी कम हुई या नहीं हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए वैक्सीनेशन हर व्यक्ति लगाए, जब जिसका जब से नंबर आता है लगाए, बच्चों को जरूरत, बच्चों को जैसे अभी हमने 16 से 18 साल को शुरू किया उन लोगों ने लगाया, एजेड लोगों ने लगाया, सबने लगाया, और अगर आगे चल के छोटे बच्चों को भी लगाने की नौबत आती है तो जरूर से वैक्सीनेशन लगाए। वैक्सीनेशन ही इसका एक सटीक उपाय है, बचाव है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो आए और लोगों को बहुत सारी जानकारियां कोविड संबंधित दिए, उपचार बताए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैडम, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर AP सावंत, सीनियर पेडियाट्रिक कंसल्टेंट, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इन्होंने बताया कि किस तरह बच्चों को या आम लोगों को कोविड से बचाएं। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर उन्होंने दिया है और कहा है कि सोशल डिस्टेंस रखें, अच्छा आहार लें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और भी जानकारियां लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।